इधर आप कितना रखोगे? नेक ऑल लॉन्ग है या वेज चला जाए, इधर आप कितना रखोगे इसको? शोल्डर ऑल लेवल वाले शोल्डर, सॉरी ब्रेस नहीं सर। तो आपका पीछे वाले कॉलर से ये वाला भाग थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है? जैसे शोल्डर है, अगर आपने इसको नेक पे रख दिया तो क्या होगा, फिर एबल नहीं दिखेगा ज्यादा, लुक आपका चेंज नहीं होगा आगे से, आपको कुछ दिखने क्लाइंट को लेगा मुझे आगे तो वो दिख ही नहीं रहा। तो आपको पीछे की लेंथ के हिसाब से आगे वाला छोटे करेंगे, व्यू कट की बात तो आप फेदर कट के आगे से स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो पीछे का शोल्डर तो आगे का चेन, पीछे का ब्लू शोल्डर तो आगे का नेक, और वेस्ट लॉन्ग प्लग वाले तो फिर आगे का शोल्डर या शोल्डर से और एक दो इंच नीचे, ठीक है? तो ये मेरा हो गया फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ, यानी कि बैक लेंथ जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे फ्रंट का लेंथ रखना है। सर नहीं लिखने या फोटो खींच लो, मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोग लिखा है। हाँ तो हमेशा हम लोग पीछे के फर्स्ट के हिसाब से ही हम लोग काटेंगे। फर्स्ट क्या लिखा है? अगर मेरा बाल पीछे का कितना है तो शोल्डर है, शोल्डर ठीक है, बिलो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे है तो सॉरी तो फिर हम लोग रखेंगे कितना? शोल्डर। और ये अगर मेरा हो गया बिलो वेस्ट या और मेरा और लॉन्ग कितना भी हो सकता है, तो फिर उसके हिसाब से मुझे एक दो इंच शोल्डर से नीचे रखना है। तो तीन लेंथ हम लोग समझ लो, हम लोग ने लिखा है शोल्डर, ब्लू शोल्डर और लॉन्ग वेस्ट तरफ, तो चिन, नेक और शोल्डर। सर ये क्या है लेंथ? ये मैंने लिखा है फ्रंट का हेयर, ये मैंने लिखा है बैक का लेंथ, यानी कि मैं बैक की लेंथ के हिसाब से फ्रंट का लेंथ छोटा करता हूँ। फेदर कट में ही करते हो ना, फेदर में रिवर्स में शाम इतने भी हेयर कट करते हो, तो पीछे का अगर आपका बाल शोल्डर है तो ये चीन हाफ फेदर, ठीक है? उसको ध्यान में रखो, वो क्लाइंट हमेशा बोलता नहीं है कि आप मेरा इतना काटो, कभी क्लाइंट बोलता है कि आप अपने हिसाब से काटो अच्छा लगना चाहिए, तो अपने हिसाब से आप कब काटोगे उनकी लेंथ के हिसाब से। बिलो शोल्डर है नेक लेंथ, अप टू वेस्ट तलक है, कमर तलक है वाला आपके, तो फिर कितना रखेंगे आगे का बाल? शोल्डर और लंबा है और शोल्डर से एक दो इंच नीचे कर लो, ऐसे नहीं कि आपके बाल वेस्ट में है और आपने चिन पे कर दिया तो क्या होएगा, आप जब उसको मर्ज करने जाओगे ना पूरे बाल छोटे हो जाएंगे। तो हमेशा हमको पीछे के हिसाब से ही आगे का बाल कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज था सेक्शनिंग। तो सेक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा सेक्शंस कैसे निकालना है, तो मेरे तीन सेक्शन थे, बोर बेसिक सेक्शन, बैक सब सेक्शन, फ्रंट सब सेक्शन, एंगल्स कौन से एंगल्स को हम लोग कट करेंगे, उसके बाद मैंने क्या लिखा है लेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उसके बाद हमारा हो गया ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई में हम लोग को स्टाइलिंग कौन कौन सा करें। ओके सो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, ये हमारा आज बेसिक टॉपिक था सेक्शनिंग कैसे करना है हम लोग को, कौन से एंगल में कौन सा, तो हम लोग जितने भी हेयर कट्स करते हैं, जितने भी स्टाइलिंग करते हैं हेयर कट्स में, वो हम लोग करते हैं हमेशा टेक्चर के हिसाब से, कि बाल आपका कर्ली है तो कर्ली में कैसे करना है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में कैसे करना है, तो ऑलवेज हम लोग हेयर कट करेंगे वो हम हमेशा करेंगे हेयर शेप के हिसाब से, आपका उसी हिसाब से एंगल यूज़ होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको लेंथ देखना है कितना, आप लेंथ के हिसाब से कौन सा फ्रंट का शॉट करने वाले, और सेकंड आपको कोस बालों में कौन सा स्टाइलिंग करना है। तो जो भी आप हेयर कट करोगे उसके सबके डिफरेंट स्टाइलिंग है, जब आप स्टाइलिंग करोगे तभी आपका हेयर कट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। अरे इसको शेयर नहीं कर सकते क्या यूट्यूब पे? लाइव चल रहा है रहेगा ऑप्शन, शेयर का हर एक इसमें रहता है, कहां से गिराया ना, ये किधर शेयर है, कहां करना है आपको? YouTube पे नहीं होएगा, YouTube पे तो ऐसे ही जाएगा ना सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो चला गया इस पे, वो दिखेगा बाद में, ये रुको रुको, जितना YouTube पे वैसा बोल रहा हूं, सेव हाइलाइट्स कर दीजिए पहला।